जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ड्यूस एल्डर रिएक्शन। तो ड्यूस एल्डर रिएक्शन, जैसा कि हम ऑलरेडी थोड़ा बेसिक आइडिया है ही कि ये होता है बच्चों डाइईन होता है और ये होता है डाइनोफाइल। ये है डाइनोफाइल, है ना, कहीं कहीं बोलने में मिस्टेक हो जाए। ये डाइनोफाइल है, मतलब ये क्या डाइन को लविंग है। तो यहाँ दो इलेक्ट टू पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसको बोलते हैं हम डाई, डाई मीन्स टू, इन, ये डाइन, डाइन और डाइनोफाइल का एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन कहाँ पर, 1,4 पर। 1,4 का मतलब क्या है जो फर्स्ट कार्बन अगर इसे दें 2, 3, 4, फर्स्ट कार्बन और फोर कार्बन पर ये बॉन्ड का एडिशन होगा। देखते हैं किस तरह, ये इलेक्ट्रॉन गो दिस साइड, दिस इलेक्ट्रॉन गो दिस साइड एंड दिस इलेक्ट्रॉन गो दिस साइड। तो यहाँ पर बच्चों इस कार्बन का बॉन्ड बनता, फॉर्मेशन इस कार्बन से, इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन इस कार्बन से। इस तरह से बच्चों ये एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। इसको बोलते हैं हम ड्यूल सेल्डर रिएक्शन। बच्चों ड्यूल सेल्डर रिएक्शन जो है इसको हम लिखते हैं 4+2, 4+2 साइक्लो एडिशन भी बोलते हैं इसको, साइक्लो एडिशन। साइक्लो इसका मतलब क्या है बच्चों, 4+2 का मतलब क्या, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4+2 मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर कितने बच्चों, 4 पाई है और इसके अंदर 2 पाई है। फोर डाइईन जो है उसके अंदर कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इसके अंदर कितने बच्चों 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये रिएक्शन कैसे जा रही है, क्या कंडीशन है, इसे थर्मली जा रही है। इंपॉर्टेंट कैसे जा रही है बच्चों, थर्मली। तो यहाँ पर कुछ एडिशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देखते हैं, फिर आगे ड्यूल सेल्डर में आगे बढ़ेंगे हम। तो जैसे कि बच्चों सुपरा फेसियली हम टर्म समझ चुके हैं। सुपरा फेसियल, हमने सुपरा फेसियल प्रीवियस वीडियो में बात की थी, अगर एडिशन एक ही साइड से हो, कहीं पर एडिशन क्या हो रहा है, एक ही फेस, एक ही साइड से हो, सेम फेस से हो। एंट्रा फेसियल क्या थी बच्चों, एंट्रा फेसियल थी जब एडिशन एक यहाँ पर या फिर दूसरे की अदर साइड से हो रहा हो, नीचे से हो। जैसे सिन और एंटी, सिन टाइप से मान सकते हो सुपरा फेसियल और एंटी टाइप से मान सकते हो एंट्रा फेसियल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम एडिशन में। यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँ मैं कि जैसे कि प्रीवियस वीडियो 2+2 एडिशन जो होता है, मतलब एल्कीन का एल्कीन से, बच्चों 2+2 मतलब टोटल हो रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ये। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये बच्चों सुपरा फेसियली, अगर बात करेंगे सुपरा फेसियली तो ये फोटोकेमिकली अलाउड होती है जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर बच्चों 4+2, और ये पता कहाँ से हमें चलेगा, ये पता चलेगा ऑर्बिटल सिमेट्री से। ऑर्बिटल सिमेट्री की हमने प्रीवियस वीडियो में बात की, वहां से पता चलेगा कि इनके सेम लोग मैच कर रहे हैं फोटोकेमिकली, और थर्मोडाइनिकली ये रिएक्शन सुप्राफेसियली नहीं जाएगी। अगर 4+2 साइक्लो एडिशन है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन आए 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए, तो कैसी है वो, थर्मोडाइनेमिकली, है ना, थर्मली, थर्मली जाएगी रिएक्शन सुप्राफेसियली। तो यहाँ पर एक चीज़ याद कर लेनी है बच्चों, यहाँ से याद करने का तरीका, ये 4n इलेक्ट्रॉन्स है तो बच्चों ये सुप्राफेसियली किसमें जा रही है, फोटोकेमिकली HNU में। अगर 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हम एरोमेटिसिटी में भी देखते हैं, तो ये रिएक्शन सुप्राफेसियली, सुप्राफेसियली किसमें अलाउड होती है बच्चों, थर्मली अलाउड होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं कहने लगूँ यहाँ पर 4+4, भले इस तरह का 4 और इधर जो डाइनोफाइल ले रहे हैं वो भी 4+4, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों 8। तो आपको बताना है सुप्राफेसियली किसमें अलाउड होगी, तो बच्चों ये आ रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे हैं, तो ये फोटोकेमिकली HNU अलाउड होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर 4n इलेक्ट्रॉन तो सुप्राफेसियली वो अलाउड हो रही है HNU में, और 4n+2 इलेक्ट्रॉन है तो अलाउड हो रही है सुप्राफेसियली वो थर्मली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार याद कर लेना है। और इसकी रीजनिंग आएगी बच्चों एंड कार्बन पर जहाँ पर एडिशन हो रहा है वहाँ पर हमें देखनी होगी ऑर्बिटल की सिमेट्री। ऑर्बिटल सिमेट्री वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अलाउड है कौन सा नहीं है, कभी फिर इसमें फर्दर बात की जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जो ड्यूल सेल्डर रिएक्शन होती है कंसर्टेड होती है। कैसी होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मतलब बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होते हैं बच्चों, टूगेदर होते हैं। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इधर को उसी समय ये बॉन्ड जो है बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो
बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग जब टुगेदर होते हैं तो उस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, कंसर्टेड रिएक्शन कहलाती है। यहां पर नेक्स्ट चीज समझिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ डाइनोफाइल। अगर बच्चों डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो रेट के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर डाइनोफाइल में जो एडिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, कैसा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ड्यूल साइडर रिएक्शन को क्या कर देगा बच्चों, रेट को फास्ट कर देगा। ऐसी साइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ये भी रेट के रिएक्शन को फास्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, अगर ड्यूल साइडर रिएक्शन में कैसे लगे हुए हैं बच्चों, विड्राइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, किस में, डाइनोफाइल में। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद कर लेनी है, डाई इन में, रीजनिंग आगे इसके आने वाली है, डाई इन में डोनेटिंग, जैसे ओईटी हो गया, डाई इन में डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो रिएक्शन के रेट को फास्ट करें, और डाइनोफाइल में विड्राइंग ग्रुप्स हैं, डाइनोफाइल में विड्राइंग ग्रुप्स हैं। तो इसको ये होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, इसको अगर हम बना रहे हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं डाइनोफाइल को विड्राइंग लगाकर, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों ये, इसको याद करना है और आगे समझ में भी आएगा। तो हमने बात की डोनेटिंग ग्रुप्स में किस में लगे हो, डाई इन में, डाई इन में लगे हो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, रेट को बढ़ाएंगे। डाइनोफाइल में विड्राइंग ग्रुप्स लगे हों, डाइनोफाइल में विड्राइंग ग्रुप लगे हों तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। आपको ये बात यहाँ से याद हो जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, क्या डाई इन में डोनेटिंग और डाइनोफाइल में विड्राइंग। ठीक, एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूल साइडर रिएक्शन दिए बच्चों, ये डाइनोफाइल, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स आप देख रहे हो इसमें लगे हुए हैं, और ये डाई इन है, तो यहाँ पर इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट बच्चों बनी है और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। डाइनोफाइल में बच्चों एल्काइन भी ले सकते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है। तो यहां पर जो हमने बात की थी वो नीचे रिएक्शन से और एक बार प्रूफ करते हैं, इस रिएक्शन से हम एक बार इसको और प्रूफ करेंगे। किस रिएक्शन की बच्चों बात कर रहा हूं, इस रिएक्शन पर कंसंट्रेट करो, फोकस करो। तो यहां पर अगर कंपेरिजन किया जाए, इस रिएक्शन का कंपेरिजन इस रिएक्शन के साथ में किया जाए, तो क्या डिफरेंस है बच्चों, ये रिएक्शन गई 150 डिग्री लोअर टेम्परेचर पर, ये गई हायर टेम्परेचर पर। आखिर ये लोअर टेम्परेचर क्यों चली गई, क्योंकि ये जो डाइनोफाइल है इसमें क्या लगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा। और अभी हमने ये चीज़ पढ़ी, अगर डाइनोफाइल में, डाइनोफाइल में कैसे ग्रुप लगे हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से लगे हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हो तो रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और डाई इन में डोनेटिंग ग्रुप से लगे हो, डाइन में कैसे लगे हों, डोनेटिंग ग्रुप लगे हों तो रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए लोअर टेम्परेचर। अब यहाँ देखोगे तो ये और लोअर टेम्परेचर पर चले, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चले गए, क्योंकि डाइनोफाइल में विड्राइंग लगाया और डाई इन में डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो रेट और फास्ट हो गया, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रिएक्शन गई। बच्चों ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है कि डाई इन में डोनेटिंग और डाइनोफाइल में विड्राइंग ग्रुप्स रेट को इंक्रीज करें, उसको अगर समझ जाए तो बच्चों इसको याद कर लेना है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझ लेनी है। यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन होगा, अगर क्या होगा बच्चों, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन होगा, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन क्या कर देता है बच्चों, रेज एनर्जी ऑफ होमो एंड लोअर द एनर्जी ऑफ ल्यूमो, ल्यूमो की एनर्जी को डिक्रीज कर देता है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। चलो यहाँ पर हम जो होमो ल्यूमो बनाते हैं, ये बच्चों एल्कीन है, एथिलीन है, या फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना दिया हमने, ये कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर अगर इसके बच्चों ऑर्बिटल्स में बनाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया होमो और ये हो गया बच्चों ल्यूमो, क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो ये क्या कहला रहा है बच्चों, होमो कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा बच्चों, ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया, ये क्या हो गया, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया। अगर बच्चों हम बनाए डाई इन के ऑर्बिटल, तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे, ये 2 और 4 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप करने बच्चों, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4, तो यहाँ पर फिलअप करने होंगे, 2 यहाँ पर। तो इसका होमो देखोगे तो ये था, लेकिन इसका होमो अभी हो गया, तो इसकी एनर्जी क्या हुई, इससे ज़्यादा हुई एनर्जी की, कम हुई इसकी होमो की, इसकी एनर्जी रेज हो गई। ल्यूमो इसका कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया ल्यूमो, इसकी एनर्जी क्या हो गई,
डिक्रीज होगी। ये ही पॉइंट ये चीज बता रहा है कि ये क्या कर देता है, अगर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है रेज द एनर्जी ऑफ होमो, होमो की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ल्यूमो की एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है तो होमो ल्यूमो की एनर्जी को स्लाइटली लोअर द एनर्जी ऑफ होमो और सबस्टेंसली लोअर द एनर्जी ऑफ ल्यूमो, ल्यूमो की एनर्जी को कम कर देता है। कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप सपोज ये डाइन के हैं, होमो ल्यूमो, ल्यूमो ल्यूमो और होमो, लेकिन इसी पर अगर बच्चों हम क्या लगा दें, विड्राइंग ग्रुप्स लगा दें, तो होमो की एनर्जी भी कम हो जाएगी और ल्यूमो की एनर्जी भी कम हो जाएगी, है ना। तो और ल्यूमो की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी विड्राइंग ग्रुप लगाने से नीचे आ जाती है, एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, डाउन चली जाती है, किसकी, ल्यूमो की भी या और होमो की भी। ये दोनों ग्रुप्स क्या कर देते हैं बच्चों, स्टेबलाइज कर देते हैं होमो और ल्यूमो को, विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, याद रहेगा। इसी पर बेस्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज है, उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पॉइंट कि विड्राइंग ग्रुप्स क्या कर देते हैं, होमो ल्यूमो की एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। और डोनेटिंग को इसका उल्टा कर देते हैं, रेज द एनर्जी ऑफ होमो एंड रेज द एनर्जी ऑफ ल्यूमो, एनर्जी जो है होमो ल्यूमो की अगर डोनेटिंग ग्रुप से हो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। डोनेटिंग ग्रुप्स क्या कर देते हैं बच्चों, होमो ल्यूमो की एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे अभी। अगर डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दिए बच्चों, सपोज डाइन है, डाइन के होमो ल्यूमो ये हैं ऑर्बिटल्स, होमो और ये क्या है बच्चों, ल्यूमो, लेकिन अगर इसमें हमने क्या लगा दिया, डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दिए, इस तरह के ग्रुप्स लगा दिए जो डोनेटिंग है, तो इसके एनर्जी होमो की भी एनर्जी बढ़ा देंगे और ल्यूमो की भी एनर्जी इंक्रीज कर देंगे, इनकी एनर्जी दोनों को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको समझ में आ गया तो काफ़ी कुछ कहानी सॉल्व हो गई। तो हमने कहा एक्स्ट्रा कंजुगेशन में एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज, रेज द एनर्जी कंजुगेशन रेज, होमो की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, लोअर द एनर्जी ल्यूमो, ल्यूमो की एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है, होमो की एनर्जी अप गई और ल्यूमो की एनर्जी डाउन गई। विड्राइंग ग्रुप है तो बच्चों दोनों की एनर्जी क्या है, कम कर देता है, ल्यूमो की एनर्जी ज़्यादा कम होती है। और अगर बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रेज इंक्रीज कर देता है होमो की भी और इंक्रीज कर देता है स्लाइटली ल्यूमो की, दोनों की एनर्जी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसके बेस पर हम समझते हैं कि रिएक्शन का रेट क्यों इंक्रीज हो जाता है। तो हमने जैसे बच्चों पीछे बात की हुई है कि होमो और ल्यूमो, अगर बच्चों दो एडिशन रिएक्शन है बच्चों, तो एक का लेंगे होमो और दूसरे का लेंगे बच्चों ल्यूमो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में, जिससे ये प्रोडक्ट हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो किस तरह से होगा बच्चों, एक का होमो और दूसरे का ल्यूमो, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, इसका ल्यूमो ये लें और इसका क्या लें बच्चों, होमो लें। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं होमो ल्यूमो में जितना एनर्जी गैप कम होगा, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें, सपोज हमने डाइन का क्या लिया बच्चों, होमो, और डाइनोफाइल का क्या लिया ल्यूमो। तो ये जो एनर्जी गैप है इनके बीच में, इस एनर्जी गैप की हम बात कर रहे हैं, ये जो गैप है जितना ये कम होगा उतनी फास्ट रिएक्शन जाएगी, उतनी क्या जाएगी बच्चों, फास्ट रिएक्शन जाएगी। अब अगर इसका कंपैरिजन हमें करना है बच्चों, अगर इसका कंपैरिजन करना है इससे, तो होमो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो गया, तो आप कंपेरिजन इसके ल्यूमो और इसके ल्यूमो कंपेरिजन करो, एनर्जी इसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो होमो ल्यूमो का गैप कम हो गया तो रिएक्शन फास्ट हो गई। अगर डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इन्होंने होमो की एनर्जी और इंक्रीज कर दी, तो डाइनोफाइल की एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि विड्राइंग ग्रुप है, तो होम इसका होमो और ल्यूमो का गैप और कम हो गया। तो जैसे जैसे एनर्जी गैप होमो ल्यूमो का कम होता जाएगा तो ओवरलैपिंग बेटर होती जाएगी। तो यहाँ पर जो यही बताया गया है कि होमो ल्यूमो को जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, जो होमो है वो ल्यूमो है, यहाँ पर होमो, यहाँ पर ल्यूमो, यहाँ पर होमो, यहाँ पर ल्यूमो, यहाँ पर, इनका जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे डाइनोफाइल में विड्राइंग और डाइन में डोनेटिंग ग्रुप्स लगते जा रहे हैं और रिएक्शन का रेट फास्ट होता जाता है। तो बच्चों यहाँ तक हमने ये सीखा कि अगर डाइन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हम लगा रहे हैं और डाइन ये है डाइनोफाइल, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हम लगा रहे हैं और डाइन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा रहे हैं तो और रिएक्शन के रेट को फास्ट करें। रीजनिंग का क्या हुई इसकी बच्चों, उनके होमो
और ल्यूमो का एनर्जी गैप जो है बच्चों डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी और आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये एग्जांपल्स हैं जो कि आपको करने हैं। ठीक है, ये होमवर्क हो गया। आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, ये मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑफ डील सेल डायरेक्शन। तो हमने मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन एक का होमो दूसरे का ल्यूमो के साथ बच्चों इससे पहले भी इस वीडियो में भी बात कर चुके हैं, एक का होमो और दूसरे का ल्यूमो क्या करता है बच्चों ओवरलैपिंग करता है। ऑर्बिटल ऑफ वन रिएक्टेंट मस्ट ओवरलैप द ऑर्बिटल ऑफ अदर, एक ऑर्बिटल का एक क्योंकि आपस में एडिशन रिएक्शन है तो इसके ऑर्बिटल्स इसके ऑर्बिटल के साथ मस्ट ओवरलैप करने चाहिए। इसके ऑर्बिटल्स और इसके ऑर्बिटल्स की आपस में क्या होगी बच्चों ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है बच्चों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होता है। तो रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू अनदर, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर करेगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब उसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होना चाहिए, भरा हुआ होना, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरे के पास खाली जगह होनी चाहिए तो उसका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड होना चाहिए, बिना भरा। अनऑक्यूपाइड का मतलब बिना भरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना चाहिए, एक का होमो भरा हुआ एक का ल्यूमो। बाकी आयनिक रिएक्शंस भी हमने किए हैं तो उसमें भी ऐसा ही हुआ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में करते हैं इसके अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स जो होगा उससे ओवरलैप करेगा। ये इसका ऑर्बिटल भरा हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके साथ ओवरलैप करेगा इसके ल्यूमो के साथ। ठीक है, अनऑक्यूपाइड इसके पास जगह होनी चाहिए खाली। सेम यहाँ पर है बच्चों, इसका होमो और इसके ल्यूमो से या वाइस वर्सा उसका उल्टा, एक का भरा हुआ दूसरे के अनऑक्यूपाइड के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। किसी का भी होमो और किसी का भी हम ल्यूमो ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पर दूसरा कि सिमेट्री मैच करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ बच्चों सेम कलर जो हमारे होमो ल्यूमो आएंगे, एक का होमो और दूसरे का ल्यूमो, उनके जो एंड कार्बन है लास्ट वाले कार्बन्स हैं उनके जो उन पर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री मैच करनी चाहिए। जैसे कि बच्चों यहाँ ब्लू से ब्लू मैच कर रहा है और ग्रीन से ग्रीन मैच कर रहा है, मतलब ये क्या हुआ बच्चों सिमेट्री अलाउड हो गया, सिमेट्री अलाउड हो गया ये। क्योंकि यहाँ पर इसमें देखेंगे अगर उल्टा ले लिया, इसका ल्यूमो ले लिया और इसका होमो ले लिया तभी सिमेट्री क्या है बच्चों अलाउड है, सिमेट्री अलाउड है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मान लिया एक पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है बच्चों सेम फेज होनी चाहिए, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए सेम फेज, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ओवरलैप करता है और नेगेटिव, सेम फेज के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट व्हेन बोथ रिएजेंट्स आर अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड। अगर अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड हैं तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सपोज ये डाइन है और ये क्या है बच्चों डाइनोफाइल है, अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया देखो इधर एल्डिहाइड है इसमें और इधर हाइड्रोजन है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, दोनों एंड्स पर सेम, दोनों एंड्स पर जो है बच्चों सेम कार्बन नहीं है, एक पर क्या है एल्डिहाइड है और एक पर क्या है हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर भी देखोगे ये भी अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पर मिथोक्सी ग्रुप लगा है इस कार्बन पर क्या लगे हैं बच्चों हाइड्रोजन्स लगे हैं। तो ये इस तरह से रिएक्शन करेंगे या फिर इस तरह से रिएक्शन करेंगे, मतलब मिथोक्सी ग्रुप क्या हो नीचे की साइड हो और एल्डिहाइड ग्रुप इस तरह इस फैशन में रिएक्ट करेंगे या फिर इस फैशन में रिएक्ट करेंगे, ये दोनों क्या हो बच्चों सेम साइड हो, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिफरेंट होने वाला है। देखो इसको इधर लाए और इसको इधर लाए, तो प्रोडक्ट जो यहां से हमारा बना तो उसमें मिथोक्सी ग्रुप और सी एच थ्री ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं बच्चों एडजेसेंट कार्बन पर आ रहे हैं, जबकि यहां पर देखेंगे हम तो ये बच्चों एडजेसेंट कार्बन पर नहीं आ रहे हैं, ये एक दूसरे की मेटा वाले कार्बन पर आ रहे हैं, एक कार्बन छोड़ करके यहाँ ओ सी एच थ्री आएगा और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। तो बच्चों इस फैशन में रिएक्शन जाएगी, इस फैशन में रिएक्शन जाएगी, तो हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो इसको डिसाइड करने के लिए बच्चों क्या प्रोडक्ट फॉर्म इन ग्रेटर यील्ड, जो मेजर प्रोडक्ट है ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आप उसको डिसाइड करोगे, उन्हें रिएक्टेंट को मतलब इन दोनों को किस में करोगे चार्ज देखो किस तरह से, जैसे कि बच्चों रेजोनेंस बना करके
डिसाइड करने के लिए कि ये इस फैशन में रिएक्शन करेगा या इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो इसको चार्ज देखेंगे बच्चों, डाई इन का चार्ज देखा तो क्योंकि डोनेटिंग है तो यहाँ पर आया बच्चों प्लस इस साइड में आ रहा है और इस साइड में आ रहा है कैसा आ रहा है बच्चों, निगेटिव चार्ज आ रहा है। और डाई ये तो डाई इन देखा है, डाइनो फाइल में क्या हो रहा है, इस साइड में क्या हो रहा है बच्चों, ये कार्बन है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है और इस कार्बन पर क्या आ रहा है बच्चों, निगेटिव आ रहा है, इस पर पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका निगेटिव, ये जो निगेटिव है इसका किसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके पॉजिटिव के साथ ओवरलैप होगा। तो कौन सा मोड में बच्चों रिएक्शन होगी इसमें, ताकि निगेटिव पॉजिटिव की साइड रखे इस मोड में रिएक्शन होगी और पॉजिटिव निगेटिव के साइड रखे, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन रहेगा इनका। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बना, जहाँ पर एडजेसेंट पर एल्डिहाइड और क्या बच्चों दोनों कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन पर रहे, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए जब अनसिमेट्रिकल डाइन है और डाइनोफाइल अनसिमेट्रिकल है तो उनको बच्चों क्या करना, चार्ज देख लेना है, चार्ज फॉर्म में देख लेना है, ठीक है, उसको चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि उसी फैशन में, तो एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के निगेटिव एंड की साइड रहना चाहिए, उस फैशन में वो आपस में क्या होंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे। बच्चों इसके कुछ आप एग्जांपल करो तो आपको यहाँ पर समझ में आएगी कहानी कि कौन सा किस एंड पर रिएक्ट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ, सपोज बच्चों यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं इनके रिएक्ट करने के, या तो ये क्या हो CH3 इस साइड में आए रहे इधर जहाँ पर साइनो ग्रुप है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह से रिएक्ट करे, CN है यहाँ पर, LDI नहीं है बच्चों, CN इस तरह करें, और या फिर किस तरह, मान लिया CH3 इधर है, इसको मैं उल्टा कर दूं, या फिर इस फैशन में रिएक्ट करेगा, किस फैशन में रिएक्ट करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या देखना है, फिर चार्ज में चार्ज देखोगे तो मिथाइल ग्रुप तो डोनेटिंग ग्रुप्स है तो इधर निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये क्या है बच्चों विड्राइंग ग्रुप है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव तो आपस में दूर हो गए है ना, इधर तो पार्शली निगेटिव साइड रही, तो ये तो सही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव के साथ निगेटिव आना चाहिए। यहाँ पर ये देख रहे हैं तो चार्जेस में ये क्या हो रहा है बच्चों, पार्शली पॉजिटिव आ रहा है और इधर पार्शली निगेटिव आ रहा है, इसका डोनेटिंग देख रहे हैं तो ये इधर गया, इधर इसका डोनेटिंग विड्राइंग ग्रुप है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो इधर पार्शली निगेटिव आ रहा है, तो ये बच्चों ये इस फैशन में रिएक्ट करेंगे, ये वाला एंड इस वाले एंड से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये CH3 डोनेटिंग और एल्डिहाइड ग्रुप के आएंगे एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन पर आएंगे, तो ये प्रोडक्ट इसका जो होगा बच्चों मेजर होगा, यहाँ पर साइनो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट पर रहेंगे, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट भी क्वेश्चन करना है, तो कहने का मतलब ये इस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, इस तरह से रिएक्ट करेंगे ये, इसको किस तरह से देखा हमने, इनको चार्ज में ब्रेक कर लिया, इनकी ट्रांजिशन स्टेट को चार्ज में ब्रेक कर लिया। नेक्स्ट है बच्चों कन्फॉर्मेशन ऑफ डाइईन, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फॉर्मेशन ऑफ डाइन एस सिस और एस ट्रांस। तो बच्चों हम सिस ट्रांस एल्किन पे जान चुके हैं, सिस एंड ट्रांस एल्किन में अगर बच्चों सेम ग्रुप के होते हैं, अपोजिट होते हैं तो क्या कहलाती है, ट्रांस कहलाती है। अगर सेम ग्रुप के होते हैं बच्चों, सेम साइड लगे होते हैं तो क्या कहलाती है, फॉर्म सिस। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं एस सिस और एस ट्रांस। तो एस फोर है बच्चों सिंगल बॉन्ड, एस फोर क्या है सिंगल बॉन्ड, एस फोर क्या है बच्चों सिंगल बॉन्ड, एस सिस कन्फॉर्मर और ट्रांस कन्फॉर्मर। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको सिस ट्रांस किसका, अगर डाइन की बात करें, डाइन में ये सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद बच्चों क्या है, दो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अराउंड लगे हुए हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से हैं, तो ये कन्फर्म क्या कहलाती है, एस ट्रांस है, एस ट्रांस है। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो रही है, ट्रांस हो रही है किसके अराउंड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ना, एस ट्रांस, जैसे कि ये हो गई कन्फॉर्मर है, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर क्या है, डाई सिस है, तो क्या कहला रही है बच्चों, एस सिस कहला रही है, कन्फॉर्मर। और कन्फ्यूग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, कन्फ्यूग्रेशन बच्चों होता है जैसे कि आर एंड एस होते हैं, वो एक दूसरे में कन्वर्ट विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो सकते, बिना बॉन्ड ब्रेक किए आर एस में चेंज नहीं हो सकता, बॉन्ड ब्रेक करना होता है। कन्फॉर्मर क्या होता है बच्चों, खाली रोटेशन से एक कन्फॉर्मर दूसरे कन्फॉर्मर में चेंज हो जाता है, उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग की नीड नहीं होती। जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड
होगा, तो एस ट्रांस से एस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात नोमेनक्लेचर होगी बच्चों ये डाइईन की, तो सिंगल बैराउंड ये इस तरह से रह सकती है या फिर इस तरह से रह सकती है, एस ट्रांस रह सकती है या फिर क्या हो सकती है एस सिस हो सकती है। एक तो इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों सिस ट्रांस तो ठीक है, लेकिन एस फोर क्या है बच्चों सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर ये दोनों डाइन क्या है सिस हैं तो क्या कहला रही है एस सिस कहला रही है। अगर ये है और एक दूसरे में बच्चों ये क्या हो सकती है एक दूसरे में ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करके चेंज हो सकती हैं। क्लियर है? तो यहां पर हमने सीखा एस सिस और एस ट्रांस। दूसरा बच्चों जो डील सेल्डर रिएक्शन जाएगी, तो डील सेल्डर इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डील सेल्डर रिएक्शन जाएगी तो कौन सी कन्फॉर्मर से जाएगी, एस सिस कन्फॉर्मर से जाती है, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है बच्चों कंसर्टेड मैकेनिज्म से होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होगी तो ये दोनों एंड्स एक साइड होनी चाहिए जहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है डाइनोफाइल के साथ, तो ये इधर से जुड़ेगा ये इधर से जुड़ेगा। अगर सिचुएशन बच्चों एस ट्रांस वाली है तो बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया इसके साइड आ गया लेकिन ये तो बहुत दूर चला गया इससे, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए डाई इन का जो कन्फॉर्मेशन होना चाहिए बच्चों क्या होना चाहिए एस सिस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात। लेकिन कहीं अगर लोड है एस ट्रांस में तो रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, जैसे बच्चों ये डाइन इस डाई ये जो एल्किन है और ये एल्किन आपस में क्या हो रही है ट्रांस हो रही है, ये एंड इसके अगर ये वाला एंड इसके क्लोज है तो ये काफी फार है तो एस ट्रांस में लोड होगी। लोड क्यों होगी बच्चों रिंग से इधर बंधी हुई है, ये घूम करके एस सिस में चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि यहां पर हमने एग्जांपल्स देखे थे ये कैसे थे बच्चों, ये तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर सकते थे क्योंकि इनमें रिंग नहीं थी, लेकिन इसके अंदर रिंग आने की वजह से ये एस ट्रांस में लॉक हो गई और तो ये रिएक्शन डील साइड रिएक्शन नहीं देगी। तो यहां पर हमने देखा बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा है कि डील साइड रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है एस सिस जरूरी है, और कहीं कहीं एस ट्रांस है तो क्या होगा वो कन्वर्ट होगा एस सिस में और फिर डील साइड रिएक्शन को देगा। ठीक है, अगर कहीं एस ट्रांस क्या हो गई बच्चों लोब्ड हो गई जैसे कि इस वाले एग्जांपल में होगी थी तो हमारी डील साइड रिएक्शन फिर नहीं जाएगी। यहां पर बच्चों दो चीजों टर्म्स में आपको मैं यहां बताना जा रहा हूं क्या ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक किसको कहते हैं और फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक क्या बात करने जा रहे हैं हम बच्चों, इन दो कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं। एक कंपाउंड कहलाता है ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक मतलब दो रिंग वाला, ये ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक है, ये भी बच्चों बाइसाइक्लिक है। लेकिन ये कैसा कहलाता है फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कहलाता है, ये कैसा कहलाता है बच्चों ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कहलाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, टू रिंग शेयर टू एडजेसेंट कार्बन, ये वाली एक फर्स्ट रिंग और बच्चों ये सेकेंड रिंग, इनके जो शेयरिंग कर रही है कार्बन की वो क्या है एडजेसेंट के ही कार्बन है, तो इस तरह की रिंग क्या कहलाता है बाइसाइक्लिक है फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कहलाता है। लेकिन ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक किसको बोला है टू रिंग शेयर टू नॉन एडजेसेंट, तो ये फर्स्ट रिंग और जो सेकेंड रिंग है बच्चों ये दोनों जो शेयर कर रहे हैं कार्बन वो एडजेसेंट के नहीं है। नंबरिंग डाल के देख लें 1 2 3 तो टू बीच में आ गए, 1 3 कार्बन से वो अटैच्ड हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों इसकी टर्मोलॉजी भी कि फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक किसको बोल रहे हैं और हम ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक किसको यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, यहां पर फिर से देख लो इस वाली कंपाउंड को क्या बोला हमने ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक, इस कंपाउंड को क्या बोला है बच्चों फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक में टू रिंग वाला। ठीक है, तो ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक किसको बोल रहे हैं जब टू रिंग शेयर टू नॉन एडजेसेंट कार्बन, टू रिंग्स आपस में शेयर करें नॉन एडजेसेंट कार्बन, टू रिंग शेयर टू एडजेसेंट कार्बन, यहां पर एडजेसेंट कार्बन को शेयर कर रही है तो ये क्या कहला रहा है फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक। और ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक मतलब जब नॉन एडजेसेंट कार्बन, नॉन एडजेसेंट का मतलब क्या है एक कार्बन यहां पर है तो एक इन दोनों के बीच में आ गया। अगर इसको फ्लैट स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊं बच्चों तो इसकी फ्लैट स्ट्रक्चर बाइसाइक्लिक अगर हम बनाएंगे तो यहां पर बच्चों एक रिंग आ गई। ठीक है, तो दूसरी रिंग यहां इन कार्बन से बनी होगी, तो यहां पर बच्चों जैसे ये कंपाउंड दूसरा कोई कंपाउंड बना दिया टू कार्बन मिड में आ गए एडजेसेंट, इस कार्बन और ये कार्बन क्या है शेयर कार्बन है लेकिन ये क्या है एडजेसेंट के कार्बन नहीं है, तो जब एडजेसेंट के कार्बन नहीं रहेंगे नॉन एडजेसेंट वाले शेयर होंगे तो कैसा कंपाउंड बनाया है ब्रिज्ड, ये ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड मैंने बना दिया ब्रिज। क्लियर हो गया होगा, लेकिन यहां पर क्या ये कार्बन और कार्बन एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है तो कैसे है बच्चों एडजेसेंट के कार्बन है। तो बच्चों यहां पर हमने सीखा ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक किसको कहते हैं और फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक किसको बोलते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुआ है बच्चों, ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक 74% हुआ और एक 26% हुआ, ये कंपाउंड क्या है मेजर है, इन दोनों में डिफरेंस नोट करो। इसमें ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप जो बच्चा आया बच्चों एंडोसाइड आया है, और ये क्या आया बच्चों एक्सोसाइड आया है। तो एंडो प्रोडक्ट अगर यहाँ पर लगे हुए हैं डाइनोफाइल में, डाइनोफाइल में क्या लगे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो एंडो प्रोडक्ट जो होता है बच्चों मेजर होता है। एंडो प्रोडक्ट क्या होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। आगे बच्चों देखते हैं इसमें एक्सो और एंडो प्रोडक्ट किसको कहते हैं, एक बार यहां पर इस चीज को देख लो, एक्सो एंड एंडो प्रोडक्ट बच्चों। अगर आर ग्रुप डज नॉट अवे फ्रॉम द डबल बॉन्ड, अगर वो डबल बॉन्ड की साइड में है, डज नॉट अवे दूर की साइड नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट कहलाता है एंडो। और बच्चों अगर ये क्या है एक्सो है, बाहर की साइड है, पॉइंट्स अवे फ्रॉम द डबल बॉन्ड है बच्चों इस तरह से है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है एक्सो कंपाउंड कहलाता है। एंडो का समझ में आ गया होगा, नीचे की साइड है तो क्या कहला रहा है बच्चों एंडो, और इस साइड है तो क्या कहला रहा है एक्सो। तो बच्चों डाइनो डाइनोफाइल की रिएक्शन होगी ट्रांजिशन स्टेट में, आर पॉइंट अंडर डाइन, तो अगर ये क्या रहेगा इसके नीचे रहेगा डाइन, तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा एंडो ट्रांजिशन स्टेट है। एक्सो ट्रांजिशन स्टेट में आर ग्रुप क्या रहेगा बच्चों जो इसके अंदर ना रह करके अवे रहेगा, दूर की साइड रहेगा, आर पॉइंट अवे फ्रॉम द डाइन, ये एक्सो की ट्रांजिशन स्टेट है। बच्चों एंडो प्रोडक्ट क्या बनता है अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, डाइन में कैसे ग्रुप है एंडो प्रोडक्ट फास्टर बनता है, ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पर इंट्रैक्शन होता है डाइन के साथ में, इसके नीचे आ जाएगा तो डाइन के साथ में बच्चों इसका इंट्रैक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से लगा है तब की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक इंट्रैक्शन होता है जिसको आगे हम सेकेंड इंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको। और यहाँ पर बच्चों ये क्या बनता है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होता है, एंडो प्रोडक्ट क्या बनता है फास्ट बनता है। व्हेन द डाइनोफाइल हैज सस्टेंड विद पाई इलेक्ट्रॉन, अगर डाइनोफाइल के अंदर ये आर जो ग्रुप है अगर कैसे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिसर्च सजेस्ट दैट इंक्रीज रेट ऑफ एंडो प्रोडक्ट, एंडो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इज ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द सस्टेंड एंड पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग, रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स और आर सब्सटेंस के बीच में इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, उस इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है बच्चों मेजर प्रोडक्ट जो एंडो प्रोडक्ट हो जाता है, एंडो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, और एक्सो प्रोडक्ट माइजर होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, एंडो प्रोडक्ट मेजर होगा। किस कंडीशन में, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स डाइनोफाइल में लगे हुए हैं तो करेंगे सेकेंडरी इंट्रैक्शन। और ट्रांजिशन स्टेट को एक बार अच्छे से नोटिस करो बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है किसके नीचे आ जाता है, डाइइन के बिलो आ जाता है, डाइइन के बिलो आ जाता है, और इसमें डाइइन के अवे है एक्सो प्रोडक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेटेड डाइइन, कौन सी कॉन्जुगेटेड डाइन विल नॉट रिएक्ट विद डाइनोफाइल, डाइनोफाइल के साथ कौन सी रिएक्ट नहीं करेगी, तो हम जानते हैं कि एसिस डाइन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों एसिस डाइन होनी चाहिए रिएक्ट करने के लिए, एस ट्रांस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होनी चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अराउंड डबल बॉन्ड जो है बच्चों सेम साइड हों, तभी डबल साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो कौन सी वाली एस इसमें चेंज नहीं हो सकती, इसको पोस्ट करके आप उससे ट्राई करने की कोशिश करो इसको, और मैं इसका आंसर आप बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर डाइन कौन सी बच्चों सी है जो कि एस ट्रांस में लॉक्ड है, क्योंकि ये क्या नहीं हो सकती, ये कन्वर्ट नहीं हो सकती, हमारी एस इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो ये डबल साइड रिएक्शन नहीं देगी। ऐसे बच्चों इस कंपाउंड के अंदर ये क्या है बच्चों एस ट्रांस में लॉक हो गई रिंग की वजह से, जबकि ये क्या है बच्चों है तो ट्रांस दिखाई है, लेकिन ये तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट होकर के क्या आ सकती है एसिस कन्फॉर्मर में चेंज हो सकती है, तो ये डबल साइड रिएक्शन देगी। ये भी एसिस जा सकती है, ये भी एसिस जा सकती है, ये भी बच्चों इस तरह इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर रोटेट हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों ये रोटेट करके एसिस में कन्वर्ट हो सकती है, तो ये भी डबल साइड रिएक्शन देगी। नेक्स्ट बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, रैंक द फॉलोइंग डाइन फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, कौन डाइन कौन से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, तो हमने देखा बच्चों डाइन क्या रहती है एसिस कंफॉर्मेशन में रहती है,
एस एस और ई आर फिर क्या रहती है, एस ट्रांस में रहती है, तो डी ओ साइडर रिएक्शन जो आती है वो जो एस एस से आती है, और जितनी ज्यादा इक्विलिब्रियम एस एस की तरफ शिफ्ट होगा उतना रिएक्शन रेट फास्टर होगा। तो यहां पर देखो बच्चों, ये तो एस एस में 100% रहेगी, तो ये तो सबसे रिएक्शन फास्ट होने वाली है क्योंकि ये एस एस में ही है। दोस्तों बच्चों यहां पर ये एस एस में कंफर्मेशन क्या है जा नहीं सकती, ये लॉक्ड है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, ये रोटेट नहीं कर सकती ड्यू टू दिस रिंग, तो ये तो डी ओ साइडर रिएक्शन सबसे स्लो देगी। अब बच्चों इनमें डिफरेंस किस तरह से देखा जाए, तो बच्चों ये कंफर्मेशन जो है बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन है ये मिथाइल है, तो और यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे अगर इसमें ये मिथाइल है और ये हाइड्रोजन है, तो बच्चों इसमें स्टेरिक ज्यादा है तो ये एस ट्रांस में ज्यादा परसेंटेज में रहेगी, क्योंकि वहां पर क्या हो रही है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, तो एस ट्रांस में इसकी परसेंटेज ज्यादा रहेगी, एस इसमें कम रहेगी क्योंकि एस इसमें ये जो मिथाइल ग्रुप है दिस CH3 और दिस हाइड्रोजन, ये आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों एक दूसरे से स्टेरिक कर रहे हैं, तो ये स्लो जाएगी और ये फास्ट जाएगी, नीचे लिखा हुआ है देखते हैं उसको। यहां पर हम बात कर रहे थे इस कंपाउंड के अंदर, तो बच्चों इन दोनों मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में, इस मिथाइल और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, स्टेरिक इंटरफेरेंस हो रहा है, जबकि एस एस ट्रांस में ही दूर दूर अभी चले गए, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसमें परसेंटेज इक्विलिब्रियम आप देख रहे होगे इक्विलिब्रियम इधर को शिफ्ट ज्यादा है, जबकि यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों एस एस ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो रेट बच्चों यहाँ पे ये यह दिया हुआ है इसकी रिएक्शन, क्योंकि ये तो हमेशा एस एस में ही रहेगी, ये एस एस में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी, तो ये स्लोएस्ट है ये फास्टेस्ट हो गया है, और बच्चों इन दोनों में अगर कंपेरिजन करेंगे तो इसमें क्योंकि ये एस एस में इससे ज्यादा रह सकती है, इसमें एस एस में क्या बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है स्टेरिक हो रहा है, स्टेरिक इंटरफेरेंस हो रहा है। आगे नेक्स्ट बच्चों इंपोर्टेंट बात डी ओ साइडर रिएक्शन के अंदर, तो यहां पे इंपोर्टेंट बात बहुत इंपोर्टेंट बच्चों, यहां पे इतना याद कर लेना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री किसी भी रिएक्शन की बहुत इंपोर्टेंट होती है। अगर बच्चों ये बल्की ग्रुप सेम साइड है, बल्की ग्रुप क्या है बच्चों सेम साइड है, तो प्रोडक्ट के अंदर भी ये सिस रहेंगे, जैसे CH3 CH3, अगर ये बल्कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर डायनोफाइल पे ये ट्रांस हैं तो प्रोडक्ट में भी ये ट्रांस आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंपोर्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या सीखा, अगर डायनोफाइल में ग्रुप ट्रांस हैं तो प्रोडक्ट में भी क्या आएंगे बच्चों, प्रोडक्ट के अंदर भी ये क्या आएंगे ट्रांस ही आएंगे, एक अप आएगा तो दूसरा डाउन आएगा जैसे यहाँ पर है, और अगर ये बच्चों डाइनोफाइल में अगर ये बच्चों क्या है सिस हैं तो प्रोडक्ट में भी ये क्या आएंगे सिस ही आएंगे, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, दोनों क्या आएंगे बच्चों सिस ही आएंगे, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर ग्रुप लगे हुए हैं डाइन में, अगर दोनों बाहर बाहर वाले हैं तो प्रोडक्ट में बच्चों ये जो आएंगे जब ये डाइन से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा तो दोनों सिस ही रहेंगे, सिस का मतलब या तो दोनों अप रहेंगे या फिर दोनों डाउन रहेंगे, अगर ये दोनों आउटसाइड वाले हैं डाइनोफाइल में, अगर दोनों आउटसाइड वाले हैं तो प्रोडक्ट में ये क्या रहेंगे बच्चों सिस ही रहेंगे, अगर इसमें क्या है एक इनसाइड वाला है और एक आउटसाइड वाला है तो प्रोडक्ट में जो बच्चों ये जाएंगे जो डाइनोफाइल से रिएक्ट करेगा तो क्या रहेंगे ट्रांस रहेंगे, एक अप आएगा बनेंगे तो एक कहाँ जाएगा डाउन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद कर लेनी है, क्या कर लेनी है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री दो तरह से बताई, यहाँ पर अगर ये बच्चों क्या है दोनों सेम साइड हैं तो प्रोडक्ट में भी सेम साइड रह रहे हैं सिस रह रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री नोटिस करो, अगर ये क्या है बच्चों ट्रांस हैं एक दूसरे के तो यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं बच्चों ये ट्रांस ही आ रहे हैं, एक अप एक डाउन एक अप एक डाउन, और एक्स्ट्रा बच्चों जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था मैंने बता दिया कि डाइनोफाइल में अगर दोनों बाहर की साइड हैं तो दोनों बाहर की साइड है तो बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो रही है प्रोडक्ट में दोनों सिस रह रहे हैं या फिर दोनों क्या रहना है ट्रांस हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं ट्रांस हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर आर एक इनसाइड और एक आउटसाइड था तो यहां पर क्या आ रहा है प्रोडक्ट में ट्रांस आ रहा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री किसी भी रिएक्शन की काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको अच्छे से ध्यान दो कि डी ओ साइडर रिएक्शन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, और डिटेल में दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे।
यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस ऑफ द डील्स एल्डर रिएक्शन। जैसे कि हमने देखा बच्चों डील्स एल्डर रिएक्शन इस तरह से फॉरवर्ड जा रही है, ये इधर ये इधर ये इधर। तो डील्स एल्डर रिएक्शन को हम ब्रेकआउट कैसे करें, रिवर्स किस तरह, रेट्रो किस तरह से करें इसका। अगर बच्चों यहाँ पर इस तरह से सिक्स मेंबर रिंग है और यहाँ पर एक बॉन्ड है तो इसको ब्रेकआउट किया जा सकता है, वापस रिटर्न कैसे किया जा सकता है। तो हम किस बॉन्ड को चलाएंगे, इस बॉन्ड को इधर लेकर के आओ, इस बॉन्ड को इधर लेकर आओ, तो इस बॉन्ड को इधर लाओ। तो इसको हमने फटकर ब्रेक कर दिया डाइईन और डाइनोफाइल में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डील सेटर के कुछ चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं बच्चों, हमने ड्यूल सेल्डर रिएक्शन में एक तो स्टार्टिंग में बात की डाइईन डाइनोफाइल की रिएक्शन होती है बच्चों डाइईन से। यहाँ पर एक बात की कि मैंने कहा कि अगर इस ग्रुप पर डाइनोफाइल में कैसे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हों और इस पर लगे हों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों तो रेट को क्या कर देते हैं बच्चों, फास्ट रिएक्शन जाती है डाइनोफाइल में विड्राइंग और डाइईन में डोनेटिंग। ठीक है, एक पॉइंट तो बच्चों हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है। सेकेंड पॉइंट क्या डिस्कस किया है बच्चों, जो ये रिएक्शन जाती है एस सिस कन्फॉर्मेशन से जाती है, एस ट्रांस कन्फॉर्मेशन से डील साइडर रिएक्शन नहीं जाती है, एस सिस से डील साइडर रिएक्शन जाएगी। अगर कहीं कोई इस तरह की कन्फॉर्मेशन लोक हो गई एस ट्रांस में, जैसे कि यहाँ रिंग्स में कई बार हो जाता है और वो एस सिस में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो ये कंपाउंड डील साइडर रिएक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो एस ट्रांस हैं। यहाँ पर और बात की बच्चों, जितना वेटर वो एस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा उनमें रिएक्शन उतनी फास्ट जाएगी। जैसे ये कंपाउंड है तो ये हमेशा के लिए किस में लॉक हो गया, एस इसमें कन्वर्ट हो गया तो रिएक्शन फास्ट जाएगी, और एस ट्रांस में है तो रिएक्शन नहीं जाएगी। नेक्स्ट बच्चों हमने क्या सीखा है, यहाँ पर बताया मैंने ब्रिज्ड बाई साइक्लिक की बात की हमने, और कौन सी बात की है बच्चों, फ्यूज्ड बाई साइक्लिक की बात की। फ्यूज्ड बाई साइक्लिक में जो कॉमन रहते हैं कार्बन क्या होते हैं बच्चों, एडजेसेंट के जो कार्बन होते हैं वो सेरिंग में होते हैं। जैसे ये कार्बन एडजेसेंट में दो रिंग के अंदर, ये सेरिंग में, लेकिन ब्रिज में हमने बात की थी ब्रिज के अंदर बच्चों ये बाई साइक्लिक कंपाउंड में जो एडजेसेंट के कार्बन है वो आपस में सेरिंग में नहीं होंगे। मान लीजिए ये कार्बन और इस कार्बन फर्दर रिंग बना रहे हैं तो ये कार्बन जो है 2-3 एडजेसेंट के नहीं है, एक कार्बन दूर है, तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। और बच्चों हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की है, फिर हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये बात की है अगर इनमें डाइनोफाइल में आर ग्रुप ट्रांस है तो प्रोडक्ट में भी जो ये जा रहे हैं तो बच्चों क्या रह, कैसे रह रहे हैं, ट्रांस ही रह रहे हैं। मतलब एक अप तो एक क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है। अगर इसके अंदर क्या है बच्चों, ये दोनों सेम साइड हैं तो प्रोडक्ट में क्या आ रहे हैं बच्चों, ये प्रोडक्ट के अंदर सिस आ रहे हैं। अगर अप है तो अप, या फिर डाउन है तो डाउन। रिलेटिवली इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आ रही है बच्चों, सेम आ रही है जैसे यहाँ पर है। या फिर बच्चों मैंने यहाँ पर बात की अगर डाइईन में दोनों बाहर वाले ग्रुप्स हैं तब प्रोडक्ट में क्या आएंगे बच्चों, प्रोडक्ट में वो सेम साइड आएंगे, चाहे तो अप अप कर दूं आर आर को या फिर डाउन डाउन कर दूं, क्योंकि ये दोनों क्या है, आउटसाइड वाले हैं। अगर बच्चों ये एक आउटसाइड है और एक इनसाइड है और ये डाइनोफाइल से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक इनसाइड वाला हो गया और एक आउटसाइड वाला हो गया, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आ रही है बच्चों, तो यहाँ पर ट्रांस आएगी, क्योंकि वहाँ पर ट्रांस है तो यहाँ पर भी ट्रांस रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ डील शेल्डर के हमने देखे हैं। दूसरा बच्चों ठीक है, इतना देखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।